हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. बच्चों बच्चों, हम कॉकरोच को स्टडी कर रहे थे और कॉकरोच के डिफरेंट सिस्टम्स को हमने स्टडी किया. अब हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की रिगार्डिंग कॉकरोच, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बच्चों, कॉकरोच इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. कॉकरोच को हम यूनिसेक्सुअल या डायोशियस कहते हैं. यूनिसेक्सुअल, यू गाइस वेरी वेल नो कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स और डायोशियस ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हो. दैट मीन्स जब हम अर्थवर्म की बात कर रहे थे तो वहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी में थे. कॉकरोच में मेल कॉकरोच अलग होता है, सेपरेट होता है, फीमेल कॉकरोच सेपरेट होता है. तो बच्चों, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर जो डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है, दैट इज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सबसे पहले हम इस डायग्राम्स के सारे स्ट्रक्चर्स को समझते हैं और फिर उनकी फंक्शनिंग की बात करते हैं. बच्चों, जब हम बात करते हैं मेल कॉकरोच की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसा कि हमें पता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, दैट इज टेस्टीज. कॉकरोच में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टीज विच आर प्रेजेंट फ्रॉम फोर्थ सेगमेंट टू सिक्स्थ सेगमेंट. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टेस्टीज. जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं इस डायग्राम को, टेस्टीज कंसिस्ट ऑफ लोब्स. टेस्टीज कंसिस्ट ऑफ लोब्स एंड लोब्स के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं. क्या प्रेजेंट है बच्चों? लोब्स के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं एंड इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. तो टेस्टीज विच आर प्रेजेंट इन फोर्थ टू सिक्स्थ सेगमेंट, दे कंसिस्ट ऑफ लोब्स एंड लोब्स कंसिस्ट ऑफ लोब्यूल्स इनसाइड विच स्पर्म्स आर डेवलप्ड. यहां इन दोनों टेस्टीज से स्पर्म्स डेवलप होकर इस थिन डक्ट के थ्रू आगे मूव करते हैं और बच्चों इस डक्ट को हम नाम देते हैं वास डिफरेंस. दिस डक्ट इज कॉल्ड वास डिफरेंस. तो फ्रॉम ईच टेस्टीज वन वास डिफरेंस अराइज विच कैरी स्पर्म्स, विच कैरी स्पर्म्स इनटू अ डक्ट दैट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट. दैट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट. बट बच्चों, जस्ट लिसन वन इंपॉर्टेंट थिंग. वास डिफरेंस से स्पर्म्स आने के बाद, वास डिफरेंस से स्पर्म्स आने के बाद इस ब्लू कलर स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होते हैं. आफ्टर दैट, इस ब्लू कलर स्ट्रक्चर से निकलने के बाद स्पर्म्स इस इजैकुलेटरी डक्ट में आते हैं. दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमाइनल वेसिकल. तो वी कैन से वास डिफरेंस कैरी स्पर्म्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल्स. ये दोनों ब्लैक कलर्ड वास डिफरेंस इस सेमाइनल वेसिकल से होते हुए कहां ओपन होती हैं? इजैकुलेटरी डक्ट में. और इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग इज कॉल्ड मेल गोनोपोर. Is called male gonopore.
क्लियर दिस थिंग. सो वन पेयर ऑफ टेस्टीज आर प्रेजेंट विच कंसिस्ट ऑफ लोब्स. लोब्स फर्दर डिवाइडेड इंटू लोब्यूल्स. देन लोब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. ये स्पर्म्स वास डिफरेंस से होते हुए सेमाइनल वेसिकल में एंटर करते हैं एंड देन दे कम्स आउटसाइड थ्रू दिस एजेकुलेटरी डक्ट. क्लियर दीज थिंग्स. नाउ अराउंड सेमाइनल वेसिकल्स, ये जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ ग्लैंड दैट इज कॉल्ड मशरूम ग्लैंड. मशरूम ग्लैंड इज द यूनिक फीचर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच विच इज लोकेटेड 6th to 7th सेगमेंट. Which is located 6th to 7th segment. और बच्चों इस मशरूम ग्लैंड्स के जो इनर ट्यूब्यूल्स हैं, इस मशरूम ग्लैंड्स के जो इनर ट्यूब्यूल्स हैं, दे आर शॉर्ट. तो इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट इनर ट्यूब्यूल्स एंड जो ट्यूब्यूल्स पेरीफेरी पर प्रेजेंट हैं, those tubules are long which are present at outer side. So long outer tubules and short inner tubules. Long outer tubules and short inner tubules. बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो long outer tubules हैं, इन long outer tubules के टिप पर, इन long outer tubules के टिप पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, यूरिकोज ग्लैंड्स. कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं? यूरिकोज ग्लैंड्स. और ये ग्लैंड्स हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में. दे हेल्प इन रिमूव ऑफ वेस्ट मटेरियल. दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इन कॉकरोच. क्लियर दिस थिंग. नाउ Above this mushroom gland, आपको ये एक structure और दिख रहा होगा बच्चों. This structure is called phallic gland. And phallic gland open outside through a duct that is called phallic duct. That is called phallic duct. और ये जो छोटी opening है, that is called phallic aperture. Clear these things. Now, ये जो cockroach में male gonopore है, जो opening है, ये opening कुछ chitinous structures के through covered होती है. ये opening कुछ काइटनस स्ट्रक्चर्स के थ्रू कवर्ड होती है बच्चों. बच्चों इन काइटनस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फैलोमियर्स. और इन फैलोमियर्स के क्या क्या नेम है? दिस फैलोमियर इज कॉल्ड राइट फैलोमियर. दिस साइड फैलोमियर इज कॉल्ड लेफ्ट फैलोमियर. एंड दिस वन इज कॉल्ड वेंट्रल फैलोमियर. That means in male cockroach, male gonopore is covered by three chitinous structure, right phallomere, left phallomere and ventral phallomere. Clear these things. So this is about the structural diagram of, you can say, male reproductive system. Testes, then seminal vesicles, vas deferens, ejaculatory duct,
मशरूम ग्लैंड्स, फैलिक ग्लैंड विथ फैलिक डक्ट, मेल गोनोपोर एंड ऑल दीज थ्री फैलोमियर्स. नाउ लिसन बच्चों, टेस्टीज में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. टेस्टीज में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. ये स्पर्म्स सेमाइनल वेसिकल में आकर स्टोर होते हैं. दे फॉर्म अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड स्पर्म बॉल और उस ग्रुप को हम स्पर्मेटोफोर भी कहते हैं. दैट इज कॉल्ड स्पर्म बॉल और स्पर्मेटोफोर. उस स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ लॉन्ग आउटर ट्यूब्यूल्स ऑफ मशरूम ग्लैंड एक सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग, अराउंड द स्पर्मेटोफोर्स लॉन्ग आउटर ट्यूब्यूल्स ऑफ मशरूम ग्लैंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर. और उस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर जो स्पर्म्स का ग्रुप है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो फ्लूइड दिया जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, दे आर प्रोवाइडेड बाय शॉर्ट इनर ट्यूब्यूल्स. तो फ्लूइड इज प्रोवाइडेड बाय शॉर्ट इनर ट्यूब्यूल्स एंड द फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द स्पर्मेटोफोर इज डेवलप्ड बाय लॉन्ग आउटर ट्यूब्यूल्स. देन वो स्पर्मेटोफोर इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर आता है एंड सिक्रीशन ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट फॉर्म सेकेंड प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द स्पर्मेटोफोर. आई एम अगेन रिपीटिंग, सिक्रीशन ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट फॉर्म द सेकेंड प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द स्पर्मेटोफोर. क्लियर? नाउ जैसे ही बच्चों स्पर्मेटोफोर्स बाहर आते हैं, दिस फैलिक ग्लैंड प्रोड्यूस इट्स सिक्रीशन विच कम्स आउटसाइड थ्रू फैलिक अपर्चर और वो फैलिक सिक्रीशन स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ थर्ड लेयर का फॉर्मेशन करता है. सो इन दिस वे जो स्पर्म्स का ग्रुप यहां से बाहर निकलना है दैट इज कवर्ड बाय थ्री प्रोटेक्टिव लेयर. द इनर मोस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिक्रीशन ऑफ लॉन्ग आउटर ट्यूब्यूल्स. द सेकेंड मिडिल लेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय सिक्रीशन ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय सिक्रीशन ऑफ फैलिक ग्लैंड्स. So this is about male reproductive system. Okay? बच्चों अब हम बात करते हैं कॉकरोच के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. आफ्टर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स जिनकी जो लोकेशन है वो लर्न करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड बिटवीन सेगमेंट सेकेंड टू सिक्स्थ. और बच्चों हर ओवरी में छोटे छोटे पार्टीशंस होते हैं जिनको हम ओवेरियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं या दे आर कॉल्ड ओवेरियोल्स. सो दीज आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड ओवरी एंड ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स. बच्चों दोनों ओवरी से सिंगल डक्ट अराइज होती है जिसको हम ओवी डक्ट कहते हैं और ये दोनों डक्ट मिलकर एक कॉमन ओवी डक्ट बनाते हैं. का फॉर्मेशन करते हैं
एंड कॉमन ओवीडक्ट ओपन इनटू दिस जेनाइटल चैम्बर बाय द हेल्प ऑफ एन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड वेजाइना. तो बच्चों, ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स. फिर ईच ओवरी ओपन इनटू ओवीडक्ट, दिस इज कॉल्ड ओवीडक्ट. अ पेयर ऑफ ओवीडक्ट्स आर प्रेजेंट. देन बोथ साइड ऑफ ओवीडक्ट कंबाइंड टू फॉर्म कॉमन ओवीडक्ट विच ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर थ्रू वेजाइना. Now, ovaries के बाद female reproductive system consist of spermatheci. But बच्चों, जब हम बात करते हैं spermatheci की, तो spermatheci which is present in pair. स्पर्मैथकी विच इज प्रेजेंट इन पेयर, उन स्पर्मैथकी में से एक स्पर्मैथकी तो डेवलप होता है, बट जो सेकेंड स्पर्मैथकी है दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड. वन स्पर्मैथकी इज डेवलप्ड वाइल एनदर स्पर्मैथकी इज लेस डेवलप्ड. एंड दिस वन स्पर्मैथकी विच इज डेवलप्ड दैट इज ऑफ लेफ्ट स्पर्मैथकी. That is called left spermatheci. Both spermatheci open into genital chamber. Both spermatheci open into genital chamber through a spermatheal papilla. Now, after spermatheci, in which left spermatheci is more developed in comparison to right. Now, bacho, female reproductive system also contain these three branches like glands which are called collateral glands. Ye jo glands aapko dikh rahi hai red color se, these are called collateral glands. And just सिमिलर टू स्पर्मैथकी, जैसे स्पर्मैथकी के पेयर में से लेफ्ट स्पर्मैथकी वॉज मोर डेवलप्ड, सिमिलरली आउट ऑफ दीज टू कोलेट्रल ग्लैंड्स, राइट कोलेट्रल ग्लैंड, लेफ्ट कोलेट्रल ग्लैंड, इसमें से बच्चों लेफ्ट कोलेट्रल ग्लैंड ज्यादा डेवलप होती है इन कंपेरिजन टू राइट साइड. तो कोलेटरल ग्लैंड्स ऑफ लेफ्ट साइड्स आर मोर डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू राइट साइड. नाउ दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जेनाइटल चैम्बर. यहां पर जेनाइटल चैम्बर में जो ये आपको प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, थ्री पेयर प्रोजेक्शंस, वन टू and three. These three pair projection on right side as well as left side, बच्चों ये projections कहलाते हैं ovipositor process. So female reproductive system consists of one pair of ovaries having eight ovarian tubules or ovarioles, then one pair of oviduct which combine to form common oviduct, their opening is called vagina, then one pair of spermatheci among which left is more developed, one pair of collateral glands among which left side of collateral glands are more developed, then genital chambers have ovipositor process. Clear these things. Now, female cockroach में हर एक ovarian tubule एक time पर एक ova release करती है. I am again repeating,
एट वन टाइम वन ओवेरियन ट्यूब्यूल रिलीज वन ओवा. एट ओवेरियन ट्यूब्यूल आर ऑन दिस साइड, एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स आर ऑन दिस साइड. टोटल 16 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स. दैट मीन्स वन फीमेल कॉकरोच एट वन टाइम, वन फीमेल कॉकरोच एट वन टाइम प्रोड्यूस 16 ओवा. बच्चों वो ओवा ओवीडक्ट के थ्रू देन वेजाइना के थ्रू जेनाइटल चैम्बर में रिलीज होते हैं और उन ओवा को प्रॉपर सिक्वेंस में, प्रॉपर रो फॉर्म में अरेंज करने का काम होता है ओवी पोजिटर प्रोसेस का. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओवम पोजिटर प्रोसेस. दे मेंटेन द पोजीशन ऑफ ओवा, दे मेंटेन द पोजीशन ऑफ ओवा. क्लियर दिस थिंग? नाउ जब मेल और फीमेल कॉकरोच के बीच में कॉप्यूलेशन होता है, जब मेल और फीमेल कॉकरोच के बीच में कॉप्यूलेशन होता है तो मेल कॉकरोच अपने फेलोमियर्स की हेल्प से, मेल गोनोपोर को, फेलोमियर्स की हेल्प से मेल गोनोपोर को इस जेनाइटल चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस करता है. व्हेन मेल गोनोपोर इज इंसर्टेड इनसाइड दिस जेनाइटल चैम्बर देन मेल गोनोपोर के थ्रू स्पर्मेटोफोर रिलीज होता है और वो स्पर्मेटोफोर स्टोर होता है आकर स्पर्मैथकी में. कहां पर स्टोर होता है बच्चों? स्पर्मैथकी में. यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. जैसे हम बात कर रहे हैं कि मेल और फीमेल कॉकरोच के बीच में कॉप्यूलेशन हुआ, एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूस सम स्पेसिफिक हॉर्मोन्स. उन हॉर्मोन्स को बच्चों हम नाम देते हैं फेरोमोन्स. उन हॉर्मोन्स को हम नाम देते हैं फेरोमोन्स. ये फेरोमोन्स वो केमिकल हैं जो ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर मेल कॉकरोच को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. जैसे ही मेल कॉकरोच अट्रैक्ट हुआ, उनके बीच में कॉप्यूलेशन हुआ, मेल गोनोपोर से स्पर्मेटोफोर, जो स्पर्म्स का एक ग्रुप था, वो स्पर्मेटोफोर रिलीज होकर पहुंचता है स्पर्मैथकी फनल के पास, जहां पर स्पर्मैथकी ओपन हो रहा है वो वहां पहुंचता है. धीरे धीरे उस स्पर्मेटोफोर से स्पर्म्स निकलते हैं, धीरे धीरे उस स्पर्मेटोफोर से स्पर्म्स निकलते हैं और वो स्पर्म्स धीरे धीरे करके इस स्पर्मैथकी में स्टोर होते जाते हैं. नॉट स्पर्मेटोफोर, क्या निकल रहे हैं स्पर्मेटोफोर से? स्पर्म्स. इट टेक्स टाइम, 10 आवर्स, 15 आवर्स, 20 आवर्स, इतना टाइम लगता है स्पर्मेटोफोर से स्पर्म्स के रिलीज होने में. वो स्पर्म्स स्पर्मेटोफोर से निकलकर इस स्पर्मैथकी में स्टोर हो जाते हैं. आफ्टर दैट फीमेल कॉकरोच जो है उस स्पर्मेटोफोर को रिलीज कर देती है, वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है. क्लियर? नाउ अब हर एक ओवेरियन ट्यूब्यूल से एक एक ओवा रिलीज होगा, वो ओवा जेनाइटल चैम्बर में आएगा, देन आफ्टर स्पर्मैथकी रिलीज करेगा स्पर्म्स को, स्पर्म्स निकलते जाएंगे
ओवा से फर्टिलाइजेशन करते जाएंगे। दैट मींस कॉकरोच में फर्टिलाइजेशन जेनाइटल चैम्बर में, दैट मींस बॉडी के अंदर हो रहा है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब हमने अर्थवर्म पढ़ा था बच्चों, तो अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सॉयल में होती थी इनसाइड कोकून, बट यहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है किसमें, बॉडी के अंदर, चैम्बर के अंदर। तो बच्चों यहां पर जो ओविपोजिटर प्रोसेस है वो पहले ओवा को अरेंज करते हैं, फिर स्पर्म्स रिलीज होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर ये पॉइंट? नाउ जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो फर्टिलाइज्ड एग है बच्चों, उन फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ, उन फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ कोलेटरल ग्लैंड्स, उन फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ कोलेटरल ग्लैंड्स एक सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं। दैट सिक्रीशन इज मेड अप ऑफ स्क्लीरोप्रोटीन। दैट सिक्रीशन is made up of scleroprotein, and this structure which contain a large number of 10 to 14 number of fertilized egg, this structure is called oothecia. This structure is called oothecia. बच्चों एक oothecia की अगर हम साइज बोले तो oothecia is of 8 millimeter size. Oothecia is of 8 millimeter size. Now, female cockroach एक specific humid area को search करके, उस area को जहां पर humidity हो, छोटे छोटे crevices या गड्ढे बने हुए हो, वहां पर वो अपने ऊथीका को ले डाउन करती है। अप्रॉक्स 3 to 8 ऊथीका फीमेल कॉकरोच ले डाउन एट वन टाइम, और एक ऊथीका में 10 to 14 फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। बच्चों उन फर्टिलाइज्ड एग से, उन फर्टिलाइज्ड एग से जो लार्वा बनता है, जो स्टेज बनती है, दैट इज कॉल्ड निम्फ, दैट इज कॉल्ड निम्फ। इस निम्फ में कई बार मोल्टिंग होती है, अप्रॉक्स 13 टाइम्स ये निम्फ अपने आप को चेंज करता है, और उस चेंज के बाद ये निम्फ कन्वर्ट होता है एडल्ट कॉकरोच में। Now listen, one important thing. हमने पढ़ रखा है जब भी एग से लार्वा बनता है, जिसको हम यहां पर निम्फ कह रहे हैं, और फिर एडल्ट स्टेज बनती है, तो इस टाइप के इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बच्चों इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस के कई सारे टाइप्स होते हैं। वो मेटामॉर्फोसिस जिसमें जो लार्वल स्टेज है, जो निम्फ है, वो स्ट्रक्चरली एडल्ट से डिफरेंट है बट फंक्शनली सेम है। उसका फिजियोलॉजी सेम है बट स्ट्रक्चरली वो अपने एडल्ट से डिफरेंट है। तो ऐसी मेटामॉर्फोसिस को जिसमें निम्फ फंक्शनली सेम हो बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो, तो ऐसी मेटामॉर्फोसिस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पोरोमेटाबोलस, पोरोमेटाबोलस। अब मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कैसे। देखो बच्चों कॉकरोच भी पसंद करता है ह्यूमिड एरियाज में रहना,
सिमिलरली जो निम्फ है वो भी ह्यूमिड एरिया में रहना पसंद करता है, वो उसी एरिया में प्रॉपरली वर्क कर पाता है, दैट इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दैट इज सिमिलर टू एडल्ट. बट जो निम्फ होता है उसमें विंग्स पैड तो होते हैं, जहां से विंग्स डेवलप होने हैं वो विंग्स पैड तो हैं बट विंग्स नहीं होते, जबकि एडल्ट कॉकरोच जो हमने पढ़ रखा है उसमें विंग्स होते हैं. तो स्ट्रक्चरली निम्फ डिफरेंट है, फिजियोलॉजिकली दैट इज सेम टू एडल्ट, एंड सच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड पोरोमेटाबोलस. सो कॉकरोच शो पोरोमेटाबोलस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन विच फर्टिलाइज्ड एग फर्स्ट कन्वर्ट इंटू निम्फ विच अंडरगो कंटिन्यूअस मोल्टिंग टू फॉर्म एन एडल्ट कॉकरोच. सो गाइज, दिस वॉज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉप्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट कॉकरोच. क्लियर दिस थिंग? थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू.